चीन की पोल खोलती है। एक ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट सैटेलाइट तस्वीर जारी कर उइगर मुसलमानों के साथ हैवानियत का दावा कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीर शेयर कर दावा यह किया गया है कि शिनजियांग में 3 किलोमीटर लंबा डिटेंशन सेंटर पाया गया है। जिस क्रूरता को छिपा रहा है ड्रैगन, जिस हैवानियत को ढांकता रहा है चीन, जिस दरिंदगी से इनकार करता रहा है, जिस बर्बरता के बारे में बात करने से बचता रहा है मक्कार मुल्क का मठाधीश, वो झूठ अब इंच इंच उभर चुका है। आसमानी तस्वीरों में चीन अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। उइगर से बर्बरता, शी ने छिपाया, दिख गया असली चेहरा। ड्रैगन लैंड पर डिटेंशन रूफ, दरिंदगी का सॉलिड प्रूफ। मस्जिदें गिराई, नरसंहार किया, सैटेलाइट ने दिखा दिया। यही वो तस्वीर है जिसमें खूनी ड्रैगन की हैवानियत परिलक्षित हो रही है। ये बीच में जो आप लकीरें देख रहे हैं वो ड्रैगन का डिटेंशन सेंटर है। दो हिस्सों में ये डिटेंशन सेंटर बना हुआ है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल साइबर सेंटर से जुड़े नेथन रूजर ने ये सैटेलाइट तस्वीरें शेयर करते हुए दावा किया है कि शिनजियांग प्रांत में बना ये डिटेंशन सेंटर 3 किलोमीटर लंबा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के लिए बनाया गया डिटेंशन सेंटर इतना बड़ा है कि इसमें 3 डिजलीलैंड समा सकते हैं। रूजर ने यहां तक दावा किया है कि पिछले साल नवंबर में इसका 1000 किलोमीटर तक विस्तार किया गया। उइगर मुसलमानों की छाती पर चढ़कर चाइनीज आर्मी की क्रूरता की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इसके बावजूद शी जिनपिंग से लेकर तमाम चाइनीज अफसर तक उइगर के साथ किसी भी तरह की हैवानियत से इनकार करते रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन ने उइगर मुसलमानों की संस्कृति को भी छिन्न भिन्न कर दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शिनजियांग प्रांत में 16,000 मस्जिदों को या तो पूरी तरह नस्तनाबूद कर दिया गया, या उनके गुंबद तोड़ दिए गए, या किसी और तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। शिनजियांग की 1000 सांस्कृतिक महत्व वाली साइट्स पर नजर डाली गई और पता चला कि उनमें से बड़ी संख्या में इमारतें गायब हो चुकी हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2017 में हुई कार्रवाई में न सिर्फ 10 लाख उइगर मुसलमानों को हिरासत में लिया गया, बल्कि उनकी संस्कृति और उनकी पहचान पर भी हमला किया गया। इसे सांस्कृतिक नरसंहार नाम दिया गया और इसी के तहत उइगर मुसलमानों के धार्मिक स्थलों तक को मिटा दिया गया। जिस शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों की आबादी बसती है वो पाकिस्तान से 1.5 गुना ज्यादा और बांग्लादेश से करीब 12 गुना ज्यादा बड़ा है। यहाँ की करीब आधी आबादी उइगर मुसलमानों की है। पिछले करीब 70 सालों से यहाँ उइगरों का दमन लगातार जारी है। किश्तों में उइगर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उइगर से यहाँ धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आजादी छीनी जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो रमजान में रोजा रखने पर प्रतिबंध है, कुछ स्थानों पर मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, और तो और दाढ़ी रखने, बुरका पहनने और त्योहार मनाने की इजाजत नहीं है। लोगों को घसीट घसीट कर डिटेंशन सेंटर में ठूंसा जा रहा है। पिछले दिनों अमेरिका ने इन्हीं उइगर मुसलमानों का नाम लेकर प्रतिबंधों का प्रहार किया था ड्रैगन पर। अब सैटेलाइट तस्वीर ने चीन की क्रूर चाल को बेनकाब कर दिया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।